हाय एवरीवन एंड नमस्कार सभी को, दिस इज परिमान क्लासेस चैनल। आप सभी को परिमान क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आप लोग को डिप्लोमा टू डिग्री D2D इंजीनियरिंग लेटर एंट्री BE BTECH सेकेंड ईयर या थर्ड सेमेस्टर में जो एडमिशन होने जा रहा है, फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग कम एडमिशन कम में ये आपका अलॉटमेंट सीट आ चुका है। ठीक है, प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लिस्ट आ चुका है, जारी हो चुका है झारखंड के इंजीनियरिंग कॉलेज में। आप देख सकते हो कि आपको किस कॉलेज में क्या ब्रांच एलोटेड हुआ है सेकेंड ईयर या थर्ड सेमेस्टर में BE BTECH। ठीक है, इंजीनियरिंग लेटर एंट्री 2021। चलिए मैं आपको पूरा वो लिस्ट दिखा रहा हूँ कि आपको किस कॉलेज में क्या ब्रांच मिला है, एलोटेड हुआ है, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। प्लीज़ आप वीडियो के अंत तक बने रहें। JSC बोर्ड ने ये पब्लिश कर चुका है, ये आप नोटिस देख सकते हैं कि डाउनलोड कॉलम में अवेलेबल है। ठीक है, तो डाउनलोड कॉलम में आपको जाना है, डाउनलोड कॉलम में आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए लिस्ट ऑफ कैंडिडेट रिकमेंडेड प्रोविजनली थ्रू फर्स्ट राउंड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग ये सल्ला। ठीक है, उसको आपको क्या करना है, इस पर आपको व्यू करना है। ठीक है, व्यू करते हैं डाउनलोड है, ये PDF में खोलता हूँ। तो आप ये देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिस्ट ऑफ कैंडिडेट रिकमेंडेड प्रोविजनली थ्रू फर्स्ट राउंड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर एडमिशन इन थर्ड सेमेस्टर या सेकेंड ईयर इन इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स इंजीनियरिंग लेटर एंट्री 2021। आप देख सकते हैं पहला अब्दुल अहमद अंसारी, उनका कैटेगरी रैंक 1 था, CML रैंक 1 था, उनको मिला है BA कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जमशेदपुर लिए हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग TFW सीट से। ठीक है, दूसरा रैंक वाले वो BIT सिंदरी लिए हैं सिविल इंजीनियरिंग से, उसके बाद BIT सिंदरी। आप देख सकते हो कि कैसी है आपका रैंक लिस्ट, टोटल 50 आपका एलोटेड सीट है। ठीक है, पेज है 50, PDF का पेज है, उसमें आप देख सकते हो कि क्या किस कॉलेज में आपको क्या ब्रांच मिला है, किस से आपको सीट एलोटेड हुआ है, वो भी आप देख सकते हो। कैटेगरी वाइज सीट से या जनरल से आपको सीट किस से एलोटेड हुआ है वो आप देख सकते हैं। ये पूरा मैं आपको स्पीड में आपको दिखा देता हूँ, 50 पेज का PDF। ठीक है, आप अपने सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कैसे करोगे वो भी मैं आपको वीडियो में बताने जा रहा हूँ। आप प्लीज़ वीडियो के, ठीक है, दूसरे वीडियो में मैं बताऊँगा, देखता हूँ कि आपको डाउनलोड होने का ऑप्शन आया है कि नहीं। ठीक है, तो ये आप पहले आप देख सकते हो कि किस कॉलेज में क्या एडमिशन मिला। ठीक है, किस कॉलेज में आपको क्या सीट मिले हैं। ठीक है, आप देख सकते हो कि क्या एलोटेड हुआ है, किस कॉलेज में आपको क्या ब्रांच मिला है, क्या एलोटेड हुआ है इंजीनियरिंग लेटर एंट्री 2021। ठीक है, और आपको एडमिशन लेने का डेट है 16 दिसंबर 2021 से लेकर 22 दिसंबर 2021, फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग कम एडमिशन का जो एडमिशन डेट है आपको लेने का इंस्टीट्यूट में, कंसल्ट इंस्टीट्यूट में जाने का, वो आपका 16 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर 2021 तक, यानी कि आज 17 दिसंबर हो चुका है। तो आज आपका अगर सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड हो रहा है तो आप कॉलेज जाके एडमिशन ले सकते हो, लेकिन हमको जहाँ तक लग रहा है कल से ही एडमिशन आपका होगा। ठीक है, तो ये मैं आपको PDF दिखा रहा हूँ कि आपको किस कॉलेज में क्या ब्रांच मिले हैं। तो ये आप PDF देख चुके होंगे कि आपको क्या मिला है। लास्ट वाले को क्या है, प्रतीक कुमार, उनको मिला है CIT टाटी सिल्वे और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग मिला है, उनका रैंक था 500। ठीक है, उनका रैंक था CML रैंक 3413। ठीक है, CML रैंक उनको मिला है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग CIT टाटी सिल्वे जनरल कैटेगरी से। ठीक है, ये आपको देख गया होगा, अगर किन्हीं को किसी तरह का कोई भी डाउट हो तो बेशक आप कमेंट करें। एडमिशन से जाने के पहले आपको डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या क्या, ये आपको सबसे पहले इंजीनियरिंग लेटर एंट्री का आपका एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड और आपका सीट अलॉटमेंट लेटर, फिर आपको रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट झारखंड का, कास्ट सर्टिफिकेट और अगर कैटेगरी से कैटेगरी लिए हैं तो EWS सर्टिफिकेट, अगर EWS का सीट लिए हैं तो TFW सर्टिफिकेट, मतलब इनकम सर्टिफिकेट अगर TFW सीट लिए हैं तो। ठीक है, उसके बाद आपका फ़ोटो लगेगा 6 रिसेंट साइज पासपोर्ट फोटो लगेगा, आधार कार्ड का जेरोक्स लगेगा। ठीक है, 10th का आपका मार्कशीट, एडमिट कार्ड और पासिंग सर्टिफिकेट आपका लगेगा। 12th से अगर गए 12 का है तो 12 का, या नहीं डिप्लोमा से अगर गए हैं, डिप्लोमा या BSc डिप्लोमा से गए हैं तो डिप्लोमा का आपका ये लगेगा, मार्कशीट लगेगा सारा। ठीक है, और वहाँ का पासिंग सर्टिफिकेट प्रोविजनल, ठीक है, वो आपको सबमिट करना होगा।
ये आपको समझ में आया होगा डॉक्यूमेंट्स, और आपको एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट ए सेल्फ और पेरेंट्स का भी लगेगा, ठीक है, सेल्फ और पेरेंट्स का। और अगर गैप लिए हैं तो गैपिंग सर्टिफिकेट आपको मांगा जाएगा, गैपिंग सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, ठीक है। अगर किन्हीं का किसी तरह का कोई भी डाउट हो डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐसे आपको डिटेल्स दिया रहेगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वहाँ लगेंगे, ठीक है, क्लियरली आपको नोटिफाइड कर दिया जाएगा, ठीक। उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट बहुत का सारे कॉलेज का मांगता है मेडिकल सर्टिफिकेट, ये फॉर्मेट आपको उसके पे वीडियो भी बनाया हुआ हो, और ये आपको फॉर्मेट आपको टेलीग्राम चैनल परिमाण क्लासेस के नाम से जो बनाया वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू।